नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी मिठाई जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और ये मिठाई घर के कुछ इंग्रेडिएंट के साथ बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक पैन में 2 कप दूध, ये हमने फुल फैट लिया है। तो दूध में हमें उबाल आने देना है। ये मिठाई जब बन के तैयार होती है तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, मुँह में जाते ही घुल जाता है, और आप किसी भी ओकेजन पे कोई भी त्यौहार पे बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो हमने थोड़ा सा जो दूध है एक कटोरी में ले लिया है, और इसमें डाल देंगे 2-4 केसर के धागे। तो हमने इस मिठाई में जो है ना केसर का इस्तेमाल किया है। केसर से जो है ना इस मिठाई में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप केसर को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी जो है ना आप अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम इस मिठाई को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, घर के कुछ इंग्रेडिएंट के साथ ये मिठाई बन जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जो है ना हम इसमें थोड़ा सा जो है ना 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। तो घी से हमारी जो ये मिठाई है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, और इसका जो मिठाई का सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हमें दूध को थिक करना है, तो यहाँ पे हमें लगातार दूध को चलाते रहना है। तो देखिए दूध जो है ना हमारे पहले से ज़्यादा थिक हो चुका है। ये एक तरह से हमारा जो मावा है ना वो रेडी हो गया है घर का। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। तो इलायची पाउडर से जो हमारी ये मिठाई है ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमारे यहाँ पे मावा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, और इस प्लेट में जो है ना हमने 3 चम्मच जो है नारियल बुरादा लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा हम काजू इसमें ऐड करेंगे, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा हम ना 1 चम्मच के करीब इसमें मावा ऐड करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम जो केसर को हमने दूध में भिगो के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इन सभी को डालने के बाद ना हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उससे पहले हम ना यहाँ पे 2 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने मिठास के अनुसार डालें, और यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। और इन सभी चीज़ों को जो है ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मुझे ना यहाँ पे जो दूध है वो कम लगा था, तो मैंने 1 चम्मच जो है ना और इसमें केसर वाला दूध डाल दिया, और इसका देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब जो है ना हम इसके छोटे छोटे बाउल्स बना लेंगे। तो अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो मावा है ना वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे ना इस मावा को जो है ना थोड़े से मसलना है, क्योंकि मसलने से क्या होगा ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है ना दाना है। तो हम इसको अपनी हथेली से मसल लेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, है ना। हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जितने बड़े लड्डू का शेप डालना चाहते हैं ना आप उतने बड़े लड्डू बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ, तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, और बीच से जो है ना हमें यहाँ पे होल करना है ताकि हम इसमें जो हमने यहाँ पे केसर वाला जो मावा बना रखा था ना तो वो जो है ना हम इसमें फिल कर देंगे। और यहाँ पे जो है ना तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको लड्डू का शेप दे रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके का बनाना है हमें। और यहाँ पे जो है ना हम नारियल बुरादा में जो है ना इसको ऊपर से जो है नारियल बुरादा में हम कोट कर देंगे। तो इसी तरीके से जो है ना हम और भी लड्डू बना लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर से जो है ना पिस्ता लगा दूँगी, तो हमारा जो मावे का और ये कोकोनट का लड्डू है वो बनके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि हमारी जो लड्डू है वो कितनी परफेक्ट बनी है। तो लग रही है ना हमारी मार्केट वाली ये मिठाई। तो आपको हमारी ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।